हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवशीष अवस्थी। आज जो मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज NRC। बहुत ही न्यूज में है ये, दैट इज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, ये है क्या और इसमें क्या प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही है। तो चलिए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला मैं आपको एक बात बता दूँ, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हैं ये सिर्फ असम के केस में, किसी केस में है, असम के केस में है। तो डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया कि NRC डील्स विद विच स्टेट, तो आंसर आपका असम होगा। चलिए हम बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज इमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट, इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो आप इसको याद ऐसे करिए, देखिए ई से होता है एक्सपोर्ट, ठीक है, और आई से क्या होता है इम्पोर्ट। तो अगर इंडिया में कोई आ रहा है तो दैट इज नोन एज इमिग्रेंट्स, ठीक है, और अगर इंडिया से बाहर जा रहा है वो, तो दैट इज नोन एज इमिग्रेंट्स। तो याद रखिए ई और आई का फर्क है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंडिया में आना अलग चीज है और इंडिया से बाहर जा रहे हैं दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। आपने एयरपोर्ट्स वगैरह में ये देखा होगा, ये लिखा हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अगर ये जो इशू है NRC है क्या, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो इशू उठा है ये नॉर्थ ईस्ट का इशू है। कहाँ का इशू है? नॉर्थ ईस्ट का। मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, इंडिया का इशू जो था वो था इलीगल इमिग्रेंट्स, मतलब इंडिया में जो इलीगल तरीके से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। और ये मेनली जो इशू डील करेंगे हम इलीगल इमिग्रेंट्स का, ये था नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में। आपने सुना होगा इंडिया की नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स। आप कमेंट बॉक्स में मुझे 7 सिस्टर्स के नाम बताइए क्या है। ये जो नॉर्थ ईस्ट है, इसमें मेन जो इशू था इलीगल इमिग्रेंट्स का, ये था बांग्लादेश, रिमेंबर, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? ढाका। वेरी गुड। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मैंने बताया, ये मेनली डील कर रहा था इशू से। कौन सा इशू? दैट इज इलीगल इमिग्रेंट्स। और किस कंट्री से ये इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे थे? वो कंट्री का नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। इसका रीजन अगर हम ढूंढे तो ऑफकोर्स इंडिया इज मोर डेवलप्ड देन बांग्लादेश, तो इंडिया ज्यादा डेवलप्ड है बांग्लादेश से। प्लस आपको पता होगा ये जो बांग्लादेश है 1971 में बना था, ठीक है, और 1971 में जब बना उस टाइम पर आपको पता होगा पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो वेस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज रही इस ईस्ट पाकिस्तान में, तो हमने फाइनली इसको इंडिपेंडेंट कराया 1971 में। तो उसकी वजह से भी बहुत लोग इंडिया की ओर मूव कर गए 1971 में। तो ध्यान रखिएगा, ये एक तो इंडिया डेवलप है कंपेयर टू बांग्लादेश, और सेकेंड 1971 की जो एट्रोसिटी हुई थी, ठीक है, वो भी रीज़न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने एक बहुत अच्छा डायग्राम के थ्रू आपको कुछ बताना चाहूंगा मैं। देखिए 1901 का सेंसस हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपको पता है उस टाइम पर इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ये सब एक ही थे, दैट इज इंडिया। तो मैंने लिखा हुआ इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश 1901 में सब एक थे। उस टाइम पर इसकी पॉपुलेशन क्या थी तीनों की ऐड करके? 29 करोड़, ठीक है। और जो नॉर्थ ईस्ट की पॉपुलेशन थी वो थी 44 लाख। अब क्या हुआ अगर हम बात करते हैं 2011, ठीक है, 2011 की, तो आज इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की पॉपुलेशन ऐड करके होती है 156 करोड़। ऑफकोर्स अब ये तीनों अलग अलग कंट्रीज हैं, बट टोटल पॉपुलेशन कितनी? 156 करोड़। और नॉर्थ ईस्ट की पॉपुलेशन अगर हम देखते हैं तो वो है 450 लाख। तो आप देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 गुना 1901 से 2011 में पॉपुलेशन बढ़ी है, जबकि इन तीनों कंट्री की पॉपुलेशन सिर्फ 5 गुना बढ़ी है। तो आप देख सकते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी रेट बढ़ गया हो, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की पॉपुलेशन 10 गुना बढ़ी है? पॉपुलेशन 10 गुना नहीं बढ़ी है, एक्चुअली हुआ क्या है, इस टाइम पर इलीगल जो इमिग्रेंट्स जो मैं अभी आपको बता रहा था वो बांग्लादेश और इन सब कंट्री से किधर पर आ गए हैं? नॉर्थ ईस्ट पे। और मेनली ये जो इशू है ये है असम का, ठीक है। अब तो ये याद रखिए कि बहुत अच्छा फैक्ट है जिसके थ्रू हम ये क्लियर कर सकते हैं कि इंडिया में ये जो 450 लाख पॉपुलेशन हुई है, दिस इज बिकॉज ऑफ इलीगल इमिग्रेशन, मतलब ये इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, ये रीजन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये है क्या NRC। पहली बात, ये NRC है क्या, इसमें क्या है? इसमें नाम लिखे हुए हैं इंडियन सिटीजन्स के। कौन से इंडियन सिटीजन? असम के इंडियन सिटीजन्स के नाम लिखे हुए हैं NRC में। ये सबसे पहली बार कब प्रिपेयर किया गया? 1951 में, याद रखिएगा। और किसने प्रिपेयर किया इसे? याद रखिए, होम मिनिस्ट्री ने। किसने प्रिपेयर किया? HM, होम मिनिस्ट्री ने, ठीक है। तो ये जो NRC है ये असम के लिए है, इसमें एक तरीके से इंडियन सिटीजन्स के नाम है जो असम के हों सिर्फ, ठीक है, क्योंकि असम में ही सबसे ज्यादा इशू है रिलेटेड टू वॉट,
इलीगल इमिग्रेंट्स स्पेशली फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, तो ये जो बताऊं मैं एनआरसी बना कैसे, तो ये क्रिएटेड अंडर फॉरनर्स एक्ट ऑफ 1946 है। ये भी याद रखिएगा कि किस एक्ट के अंदर है, फॉरनर्स एक्ट ऑफ 1946। इससे क्या होगा, अगर यहाँ पर उन लोगों के नाम लिखे रहेंगे जो इंडियन सिटीजन्स हैं जो असम के हैं, तो इससे जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल उसको उस टाइम पर पहली बार 1951 में इसकी लिस्ट बनाई गई। ठीक है, अब लेकिन लिस्ट तो बना दी लेकिन ये अपडेटेड नहीं है प्रॉपरली, जो बहुत लोग के नाम है कुछ लोग के नाम नहीं है। अब क्या हुआ, जब ये प्रॉपर अपडेटेड नहीं हुई, सरकार ने इसका इतना बड़ा मतलब एनआरसी बनाने के बाद भी मतलब सिटीजन्स के नाम लिख दिए इंडियन सिटीजन्स के जो असम के, बट स्टिल उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ देखा जाए तो इंसर्जेंसी बढ़ गई। कहाँ पर इंसर्जेंसी इंक्रीज हो गई, इंडिया में, सॉरी मैंने बांग्लादेश लिख दिया, कहाँ पर स्टार्ट हो गई इंसर्जेंसी बढ़ गई, इंडिया में। मतलब आपको पता होगा बहुत से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप एक्टिव हो गए वहाँ पर और बहुत सी डेथ्स होने लगी उस नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली इन बांग्लादेश। तो फाइनली इतनी इंसर्जेंसी बढ़ गई, तो राजीव गांधी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखिए हम बात करते हैं 1985 की, 51 में एनआरसी बनाया, कुछ इतना अपडेट किया नहीं उन्होंने, उस पर अप्लाई नहीं किया, और फाइनली 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट, अंडर राजीव गांधी गवर्नमेंट एक अकॉर्ड साइन हुआ, और ये अकॉर्ड साइन हुआ था 15 अगस्त 1985 में, जिसको हम कहते हैं असम अकॉर्ड, याद रखिएगा। इसमें यह असम अकॉर्ड क्यों साइन किया गया था, टू प्रिवेंट इंडिजीनियस पीपल, मतलब जो इंडियन पीपल हैं जो असम के पीपल, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और डिपोर्ट करने के लिए, किनको, इलीगल इमिग्रेंट्स को, याद रखिएगा। अब इसमें तीन कंडीशंस रखी गई जो मैंने आपके सामने ईयर वाइज रख दिया है। पहली कंडीशन थी 1951 से 1961 जो भी इंडिया में आए हैं उनको हम फुल सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे, प्लस इवन राइट टू वोट भी उनको मिलेगा। ठीक है, जो 1961 से 1971 के बीच में इंडिया में आए हैं दे विल गेट द सिटीजनशिप, बट उनको राइट टू वोट नहीं रहेगा 10 साल तक के लिए। ठीक है, 10 साल तक के लिए वोटिंग राइट नहीं रहेगी। और जो 24 मार्च 1971 आपको याद होगा 1971 में ही बांग्लादेश बना, इसके बाद इंडिया में आए तो वो होंगे इलीगल इमिग्रेंट्स और उनको हम डिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया, जो 24 मार्च 1971 के बाद आए हैं वो इंडिया से बाहर जाएंगे। ठीक है, तो ये मेन इशू था असम अकॉर्ड का। अब मैं तो असम अकॉर्ड साइन तो कर लिया बट इसको भी प्रॉपर तरीके से अभी तक अप्लाई नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते, अब अप्लाई जब किया नहीं तो अगेन देख रहे हैं आप इंसर्जेंसी इंक्रीज हुई, एथनिक क्लैशेस भी हुए, मतलब वहां पर मैं बताऊं बोडोस की लड़ाई होगी बंगाली मुस्लिम की, क्योंकि बांग्लादेशी से जो आ रहे हैं बांग्लादेश से वो क्या है, बंगाली मुस्लिम, तो देयर वाज अ फाइट ऑफ बोडोस वर्सेस बंगाली मुस्लिम, उसमें एथनिक क्लैश हुई, बहुत लोग की डेथ हुई, 2012 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इशू उठा। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में, मैं आपको बताऊं, उन्होंने एक जजमेंट दी और PIL फाइल की गई थी, उन्होंने जजमेंट ये दी कि जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 31 दिसंबर 2017 तक ये जो NRC का इशू है जिसमें इंडियन सिटीजन्स का नाम है या तो असम अकॉर्ड है, इसको प्रॉपरली अपडेट करें और ये बताएं कितने लोग इंडिया इंडियंस हैं और कितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सरकार अपनी बातों को रखे सामने। अब क्या हुआ, फाइनली NRC को अपडेट किया गया। ठीक है, तो अभी तक अपडेट नहीं कर रहे थे, आपको बता नहीं रहता NRC के अंदर क्या क्या है, लेकिन पहली बार अपडेट किया गया और बताया गया इंडिया में अप्लाई किया था असम के लोगों ने, अफकोर्स ये सिर्फ असम के लिए, 3.29 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था। ठीक है, कि वो इंडियन सिटीजन्स हैं असम की पॉपुलेशन के अंदर आते हैं, जिनमें से 2.89 करोड़ को, इतने लोगों को क्या मिल गया, स्टेटस मिल गया कि हाँ वो NRC के अंदर है, बट जिनका नाम NRC के अंदर नहीं आया दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख। अब इनका क्या होगा, इनको डिपोर्ट कर देगी क्या सरकार, अब ये 40 लाख लोग परेशान हो गए हैं कि हमारा नाम तो इन्होंने बताया ही नहीं है इसमें NRC के में, तो नाउ इट्स बिकम एन इशू कि ये 40 लाख का क्या होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, देखिए ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है, अब CM ऑफ जो असम के जो CM थे, ठीक है, जो BJP गवर्नमेंट के हैं, उनका ये कहना है कि ये जो सरकार ने निकाला है अपडेट किया, ये ड्राफ्ट है सर। ठीक है, ये पहला ड्राफ्ट है, इसमें चेंजेस वगैरह हो सकते हैं, ये कंप्लीट ड्राफ्ट नहीं है, अभी सिर्फ हमने ड्राफ्ट रखा है, अभी और लोग को इंक्लूड किया जाएगा, हो सकता है और लोग इंक्लूड हों, तो 40 लाख लोग परेशान ना हो, ऐसा CM ऑफ असम ने कहा, इट इज जस्ट अ ड्राफ्ट। लेकिन लोगों के अंदर टेंशन तो बढ़ गई है कि हमारा नाम नहीं आया है, इसका मतलब हमको ये बांग्लादेश डिपोर्ट कर देंगे। एक और बात, सरकार का एक और नोट करने वाला पॉइंट ये है कि सरकार ने अभी एक अमेंडमेंट किया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2016,
इस अमेंडमेंट के अंदर सरकार ने ये कहा है कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स है, माइग्रेंट्स है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आते हैं, जो कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन हैं, उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। इसमें देखिए मुस्लिम्स का नाम नहीं है, इसका मतलब अगेन बंगाली मुस्लिम जो आ रहे थे उनको ये जो अमेंडमेंट किया है उसमें भी उनका नाम नहीं है। और डर गए कि हमारा ड्राफ्ट में नाम नहीं आ रहा है, सरकार अमेंडमेंट भी कर रही है उसमें भी हमारा नाम नहीं है, मतलब हमें डिपोर्ट होना तय हो गया है। ठीक है, तो इससे मतलब ये जो अगर इसका मतलब क्या है, इंडिया चाहती है वर्ल्ड में कहीं से भी अगर कोई हिंदू कम्युनिटी का है, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन कम्युनिटी का है, वो इंडिया में आकर रह सकता है, बट नॉट मुस्लिम। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया, इंडिया मुस्लिम्स को क्यों अलाउ नहीं कर रही है। ठीक है, और एक और खास बात ये है, हम ये 40 लाख लोगों का करेंगे क्या, क्यों? क्योंकि इंडिया की कोई भी डिपोर्टेशन ट्रीटी है ही नहीं। ठीक है, हम किसी को डिपोर्ट कर ही नहीं सकते किसी दूसरी कंट्री में, क्योंकि हमारी कोई ट्रीटी ही नहीं है बांग्लादेश की, इंडिया बांग्लादेश की कोई डिपोर्टेशन ट्रीटी ही नहीं है। तो क्या बांग्लादेश 40 लाख लोग अडॉप्ट करेगी? बांग्लादेश ने भी ना ही बोला है कि वो 40 लाख जो लोग हैं इनको वो बांग्लादेश में नहीं आने देगी। तो इट बिकम्स एन इशू, ये 40 लाख का होगा क्या? तो देखिए इलेक्शंस भी आ रहे हैं 2019 में, अभी तक इसमें फाइनली आउटकम नहीं आया है कि क्या होगा। अभी राजनाथ सिंह ने 2 दिन पहले बोला है कि वी विल मेक द फाइनल ड्राफ्ट, हम उसको बना देंगे और इलेक्शन ईयर से पहले बना देंगे। तो अभी देखने की बात है कि इसमें क्या होता है, क्या 40 लाख को डिपोर्ट करते हैं हम, नहीं करते हैं तो ड्राफ्ट को छोड़ के आगे नेक्स्ट ड्राफ्ट कब आता है। तो लेट्स वेट फॉर दिस। तो NRC याद रखिएगा, ये एक तरीके से जो इंडियन सिटीजन से असम में रहते हैं वो बताती है NRC। ठीक है, तो NRC में और बनाया किसने NRC को? होम मिनिस्ट्री ने। तो यहाँ पर ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा NRC से क्या रिलेशन है। इसमें एक लिंक और है, जो बंगाल की CM है, आपको बता वो ममता दीदी आज तो बहुत न्यूज़ में भी है, उन्होंने भी कहा है कि ये गलत तरीके से हम डिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो उनका भी कुछ इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है कि गलत तरीके से लोग एंटर कर रहे हैं। ठीक है, और एंटर कर रहे हैं बंगालीज हैं वो, उनका ये कहना है कि आप गलत तरीके से उनको डिपोर्ट कर रहे हो, आपको प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए। तो कुछ इसमें ऐसे लोग के भी नाम है जिनका नाम आ गया NRC में, लेकिन उनके बच्चों का नाम नहीं आया NRC में। तो मतलब वो लोग हैं इंडियन सिटीजन, उनके बच्चे जो हैं वो नहीं आया उनका नाम। तो उनका इसमें बहुत सी अभी प्रॉब्लम्स है, सरकार इजी डिपोर्ट नहीं कर सकती, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा है। तो याद रखिएगा, इसलिए वो भी उनका भी स्टेटमेंट आया है इससे रिलेटेड। तो अब देखते हैं सरकार क्या करती है। यहाँ पर ये वीडियो मैं कंप्लीट करता हूँ, आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और ज़रूर मुझे मैसेज में या तो व्हाट्सएप के थ्रू बताएं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं। ये ऑलरेडी बहुत लोगों ने रिकमेंड किया था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लेके आया हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आप जो चाहते हैं कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट करें, श्योरली नेक्स्ट टॉपिक वही टॉपिक होगा जो आप चाहते हैं। थैंक यू।